हे गाइस वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ। और आप सब कैसे, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। सभी लोग आ गए YouTube वीडियो के साथ। तो अभी टाइमिंग जो हो रही है वो 9 बज रहे और अभी जस्ट में हम लोग एक चैलेंजिंग ब्लॉग के साथ आ चुके हैं। सो आज का ब्लॉग जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये जो है वो चैलेंजिंग बेस्ड ब्लॉग होने वाला है। आज मेरे पास है 100 रुपीज और ये मेरे को 100 रुपीज मतलब आज मेरे को ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, स्नैक्स इतने में ही मेरे को 100 रुपये में सर्वाइव करना है। मतलब आज का दिन जो है वो मेरे को अपना जो खाना पीना है वो सारा 100 में करना है, और ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। फर्स्ट टाइम मैं कोई भी चैलेंजिंग ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो अब देखो ये मैं चैलेंज कंप्लीट कर पाता हूँ कि नहीं। फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी पप्पी तो अपने नाइट वाली पोजिशन में, मतलब अभी सब सो के उठे थे, फ्रेश वगैरह हुए, तभी अपना कपड़ा वगैरह चेंज करते हैं, फिर इसके बाद निकलते हैं कुछ खाने के लिए, ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि अभी मैं भूखा हूँ, कुछ भी नहीं खाया हूँ, बस पानी पी। फिर चलो चलते हैं। सो गाइस अभी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके हैं, मतलब जो हम लोग का फर्स्ट स्टेज है, और जो भी हम लोग का ब्रेकफास्ट होने वाला है वो नॉर्मली होने वाला है, और हमको कम से कम बजट में ही चलना पड़ेगा। जैसे मैं स्टार्टिंग में बोला था कि अपने जो सरप्लस एक्सपेंसेस हैं उसको लेस करके हमको 100 के रेशियो में रहना है। तो अभी जस्ट मैं अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर आया था, और मेरे साथ हम और अयाज हैं। ये अपना एक्सपेंस देखेगा, ये मेरे से आज उससे मतलब नहीं है, अपना जो भी खाएगा ये अपना पैसा देगा, लेकिन मैं जो आज खाऊंगा वो 100 के बीच में रहेगा ना। अयाज क्या बोलते, 100 रुपये में पूरा दिन निकालना। क्या बोला, 100 रुपये में पूरा दिन आज गुजारना। 100 रुपये में मेरे को गुजारना है, तुम अपना कर सकते जो करना। इनको लाने फुटकर फुटकर कहाँ, आज हमारा तो ऐसे ही रेशियो चल रहा, देख लो चेंज है। अच्छा रुक, हम दे रहे हैं, एक मिनट रुक। कितना चाहिए पैसा, 10 रुपये चाहिए, रुके दे रहे। भैया मैं पकवा पी रहा था ना, चल ना। अरे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लीजिए 20 पे लीजिए, ठीक चली जाएंगी आप। ठीक ठीक जाइए, ठीक ठीक। तो अभी जस्ट मैं आया हूँ, और अपना पहला जो देखते हैं कि चाय जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो उसके वजह उसके बिना तो मॉर्निंग होती नहीं। तो पहले अपना चाय का ऑर्डर देते, और उसके साथ देखते बिस्किट वगैरह भी कौन सा सही रहेगा और कौन सा बजट में रहेगा। चाय दे दिए। तो अभी अपनी चाचा चाय बना रहे हैं, और तब तक हम लोग यहाँ पर बैठ गए। तो अभी अपनी चाय आ चुकी है। चाय की कॉस्टिंग जो है 10 रुपीज़ जाएगी, और 10 पे मीन्स ये 11-10, और इसके साथ हमको कुछ ना कुछ तो एडजस्ट करना पड़ेगा। बिस्किट ले, कौन सा बजटली में कौन आएगा, पार्ले जी आएगा। 2 रुपये वाला है, 2 रुपये वाला, 2 रुपये का है, तो कितने वाला है, 5 वाला है, लाइए 5 ही वाला दीजिए। बच्चा खाता है, आज बच्चा ही वाला काम करना। लो इतना मेरे लिए काफ़ी रहेगा। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा, अभी इसमें मेरे को डिनर भी देखना, स्नैक भी देखना, और लंच भी देखना, तो सारी चीज़ें देख के चलनी पड़ेगी। और मैं जिस लोकेशन पे पहुँचा हूँ बैठा हूँ ना, वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का है, मतलब इधर से ही अयोध्या जाने के लिए रास्ता भी है। ये पूर्वांचल का कट है, और इसी के जस्ट सामने मैं अपनी चाय की चुस्की लेता हुआ। मेरे को उम्मीद है कि शायद ये ब्लॉग जो है वो कंप्लीट, मतलब ये चैलेंज मैं कंप्लीट कर पाऊँगा, और मेरी पूरी कोशिश भी है कि ये चैलेंज को कंप्लीट करने की। मैं कोई फर्स्ट टाइम जो है वो चैलेंजिंग ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो उम्मीद है होगा। सो गाइस अभी अपना जो है वो चाय का सीन हो चुका है, और अपना पेमेंट की बारी आती, तो अभी अपना देखते हैं कि कितना कितना हुआ चाचा। 15 हुआ ना, लीजिए। हाँ तो अभी अपना ब्रेकफास्ट हो गया है, और देखो ब्रेकफास्ट भी होगा, मैं देखो कितना केयरलेस हूँ, अपनी बाइक में चाबी लगा के चला गया, देख रहे हैं। ये आसिफ का साइड इफेक्ट है, ये चैलेंज का साइड इफेक्ट है। तो अभी अपना ब्रेकफास्ट हो चुका है, और अभी हम जस्ट जा रहे हैं शोरूम पे थोड़ा काम वगैरह देखने, फिर काम देखने के बाद फिर अपना सोचते कि लंच में क्या करना जो सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ तो हैवी लेना पड़ेगा। ये तो चलो लाइट ही चल गया, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ हैवी लेना पड़ेगा। तो अभी अपने पास बता दें आपके, अभी अपने पास 85 रुपीज़ है, मतलब 15 रुपये तो इधर हो गया, और 85 अभी है।
तो उसी में अपने को सर्वाइव करना। फिर चलो चलते हैं शोरूम के लिए। गाइस अभी जस्ट मैं अपने शोरूम पे आ गया हूँ। मैं आने के बाद मेरे बस ये दिमाग में चल रहा है मैं लंच में क्या करूँगा, क्योंकि लंच में मैं आपको बता दूँ मेरे को कल इतना ज़्यादा फीवर था, मतलब 101 डिग्री था। और फिर मैं दवा ववा लिया, लेकिन अब कुछ बेहतर है अल्लाह का शुक्र है, अभी कुछ बेहतर भी है। और मैं कल से ही सोचा था मैं कि मेरे को एक ब्लॉग कल शूट करना है किसी भी हाल में, तो इसलिए तो अभी थोड़ा तबीयत सही है, तो इसलिए मैं अभी बेहतर भी हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि लंच में मैं क्या करूँ। चलो अभी तो मैं कर लिया थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा बहुत तो पेट में आ ही गया, भूख तो थोड़ी बहुत ख़त्म हुई, लेकिन मैं लंच में सोच रहा क्या खाऊँ। सारा फास्ट फूड के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि अच्छा फूड तो मेरे को नहीं मिल पाएगा, मतलब अगर कुछ भी हेल्दी मिलेगा तो वो सारी चीज़ें बजट के ऊपर ही मिलेगी। तो इसलिए मैं लंच का सोच रहा हूँ मैं क्या खाऊँ। चलो एक जगह आइडिया आया, वहाँ पर जाएंगे तो शायद वहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ें बजटली मिल सकती हैं। तो अभी मेरे पास 85 है, तो 85 में ही मेरे को सर्वाइव करना है, लंच स्नैक और डिनर तीन जी स्टेज बाकी है। तो चलो अपना कुछ काम वगैरह इसको निपटाते और फिर डिनर में मुलाकात करते हैं। अभी जस्ट मैं प्रोवांचल के नीचे हूँ, मतलब ये फ्लोर पे, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रीट फूड है, मतलब सारे फास्ट फूड वगैरह है। और अभी जो टाइमिंग हो रही है वो लगभग 1:02 हो रहे हैं, और अभी मेरा लंच का टाइम है और मैं जस्ट अभी पहुँचा ही आयाज के साथ। 30 रुपये प्लेट है। कितना? 30 रुपये प्लेट राम जी बजट में है। 30 रुपये प्लेट क्या है इनके पास? छोले भटूरे, छोले चावल। छोले भटूरे कितने का? 30 रुपये। पूरे मार्केट में सबसे सस्ता जहाँ मिलता है वहाँ लेके आए। तो अभी अपन 85 बचा है, अब ये 30 जा रहा है, 55 बचेगा। अरे बढ़िया है भाई, इतना तगड़ा कैलकुलेशन है, बचपन है मतलब हमारा जो दिन भर का खर्चा। हाँ फिर अरे रात का भी खाना देखना, रात का भी स्नैक भी देखना, दो है। फिर चलो अपना चलते हैं छोला भटूरे पे और इनसे कोशिश करते कि थोड़ा कम पैसा करने के लिए, लेकिन मानेगा नहीं। कितने की है? 30 रुपये में 6 पूड़ी और छोला भटूरा बताएं। इनके पास छोला भटूरा ही ख़त्म है, कब तक मिल सकता है? सुबह चलिए सब्जी पूड़ी करिए, रेट उतना ही जा रहा। तो अभी मेरा जो कुलचा है वो रेडी, अरे सॉरी कुलचा क्या, सब्जी जो है वो रेडी होने पे है। हाँ अभी अम्मी का फ़ोन आया था, अम्मी ने कहा कि आसिफ कहाँ पर हो, मैंने कहा अभी शोरूम पे गए, आओ जल्दी आओ खाना खा लो, क्योंकि अम्मी का सबसे पहले कॉल आता है मेरे को। तो आया कि क्या नाम है, खाना खा लो। तो हमने कहा कि अम्मी आज हम एक चैलेंज पे हैं, मतलब आज 100 रुपये चैलेंज पे हूँ, मतलब मुझको आज दिन भर में 100 रुपये में पूरा गुजारा करना। कह रहे कब से तुम इतने कायदे के हो गए, मतलब बताओ यार इतना अच्छा काम भी कर रहा हूँ कि कह रहे कब से तुम इतने कायदे के हो गए। हमने कहा कायदे का नहीं, एक चैलेंज है, देखो हो पाता कि नहीं। हम कहेंगे मम्मी, फिर अम्मी ने बोला खाना नहीं खाओगे क्या, आज बिरयानी बनी है। फिर मेरा दिल डोला, फिर मैंने कहा अच्छा, मेरा दिल डोला, मैं कहा अरे भाई साहब ये क्या बोल दिया अम्मी ने। तो हमने कहा नहीं आज नहीं खाएंगे, आज का दिन जो है वो चैलेंजिंग है मेरे लिए, क्या मैं 100 रुपये में सर्वाइव कर पाऊँगा नहीं। फिर चलो हाँ ये मैं बिरयानी फ्रिज में रखवा दे रहा हूँ, कल खाऊंगा मॉर्निंग में, लेकिन बासी हो जाएगी लेकिन कुछ भी, कौन सा डेली बन रहा, घर की बिरयानी की बात अलग है। फिर चलो अपना आ गया है, ये है अपना बजटली सब्जी पूड़ी। सो गाइस अपना डिनर का जो है वो स्टार्ट किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, किनारे बैठ के 30 रुपये की सब्जी पूरी खा रहे। असम बढ़िया फील आ रहा है? फील बहुत ज़्यादा आ रहा है, जितना फील आ रहा है कि पूछो मत। सही बात बताओ, पेट तो नहीं भरेगा मेरा, क्योंकि इस टाइम मेरी डाइट कुछ और रहती है, मतलब वीक तो गेनिंग पे चल रहा हूँ ना, तो इसलिए डाइट मेरी कुछ और रहती है, लेकिन चैलेंजिंग है तो करना पड़ रहा। सो गाइज अभी अपना डिनर हो चुका और अभी जस्ट पेमेंट की बारी आती है, और अल्लाह का शुक्र था काफ़ी अच्छा, मतलब सब्जी बहुत अच्छी बनी थी। हाँ इन्होंने भी थोड़ा टेस्ट किया और अच्छी बनी थी। तो भैया कितना हुआ आपका? 30 रुपये हुआ।
तो ये अपना जाता है 30, ये अपना गया 30 और अभी रिमेनिंग हो रहा है वो रिमेनिंग है 55। तो अभी अपना 15 शॉर्ट डिनर दोनों करना, और जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब चैलेंजिंग होगा कि मैं कैसे स्नैक को और लंच को कैसे करता हूँ। सॉरी रात की चाय भी, हाँ सॉरी, ये लंच का हो गया और रात में की चाय भी है। तो चलो देखते हैं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ क्या करना है क्या नहीं। तो अभी चल रहे हैं घर के लिए। अभी टाइमिंग जो हो रही है वो अपना 5 बजे को है, और अभी तो आप जानते होंगे अपना जो चैलेंज है वो अभी चल रहा है, मतलब ऑन टू गो है, चल रहा है। और अभी हम लोग के पास बैलेंस जो रिमेनिंग है वो 55 है, 45 का जो है वो खर्चा ही हो गया, 15 मॉर्निंग, फिर इसके बाद डिनर जो है वो 30 का, तो 45 जो है वो अपना ख़त्म हो चुका है। अब मैं स्नैक्स में देख रहा हूँ, स्नैक्स का तो मेरे को नहीं लग रहा कि जा पाएगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कुछ लिक्विड फॉर्म में ले लूँ। लिक्विड फॉर्म में क्या भी लूँ मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, पहले चलते शॉप पे फिर देखते कि कुछ मिलता है कि नहीं। मेरे शोरूम के बगल बस थोड़ी दूर पे एक शॉप है, वहाँ पर मैं देख लूँ कुछ चीज़ें हैं कि नहीं। अभी हमने क्या लिया, लखनऊ जीरा, इसको परचेज़ किया है, और इसकी कॉस्टिंग मेरे को 10 का बड़ा। अंकल मेरे को जानते भी थे, मैंने कहा थोड़ा डिस्काउंट वगैरह तो मिल सकता ना, कहेगी भैया कॉस्टिंग ही इतनी आती, 9 रुपये काम को मिलता है, 1 रुपये मार्जिन मिलती, भैया मत करो। तब ने कहा चलो ठीक है, बोले कि पहली बार तुम बोल ले कम करने के लिए। हमने कहा आज हालात कुछ अच्छे नहीं तो इसलिए। तो अभी अपना जीरे से काम चला थी, स्नैक्स में जीरे लिक्विड चल रहा है मेरा, समझे। अब इसको यहाँ रखते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि अपना डिनर में क्या चलेगा। चलो लंच हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, स्नैक्स में चलो लिक्विड चल जा रहा पहली बार, लेकिन डिनर में क्या चलेगा भाई। डिनर में तो कुछ ना कुछ तो हैवी चाहिए, और अपने पास बैलेंस भी कितना है, 45 45 में क्या मिलेगा मुझको, 45 में क्या मिलेगा। चलो सोचते हैं, तब तक इसको चिल्ड हो जाने, थोड़ा इसको अपने टेम्परेचर पे आ जाने दो, और अजान हो गई, अब चल रहे नमाज़ पढ़ने के लिए। तब तक के लिए ब्लॉग में कंटिन्यू रहना। गाइस अभी टाइमिंग जो हो रही है वो 8 बजने को है, और अब जस्ट मेरा जो बैटरी लेवल है ना वो एकदम पीक पे आ गया, मतलब एकदम, मतलब कि मुझको अब खाने की बहुत ज़्यादा नीड हो गई है। मैं जस्ट शोरूम से आया और फ्रेश वगैरह हुआ, और अभी जस्ट मैं एडिटिंग वगैरह करने बैठा था यूट्यूब की और इंस्टा वीडियो की, तो बस अभी वही सब कर रहा था। मैं सोचा अब मेरा डिनर का टाइम हो रहा तो अब व्लॉग को स्टार्ट करते हो। और मेरे पास अभी रिमेनिंग कितना, मतलब बचा हुआ 45 है, तो 45 में ही मेरे को सर्वाइव करना है। मतलब मेरा जो डिनर होने वाला है वो 45 के अंदर ही, या 45 के अंदर होने वाला है। तो क्या मेरे को नहीं लगता कि 45 के अंदर हो पाए, क्योंकि अब मैं जो भी खाऊंगा वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग चीज़ खाऊंगा, जिसकी वजह से मेरा प्रोटीन इनटेक भी पूरा हो, और थोड़ा मेरे को मतलब ऐसा लगे कि पेट में कुछ गया है। तो अब मैं सोच रहा हूँ मैं क्या खाऊँ, बिरयानी भी नहीं मिल पाएगी इतने में, और पनीर भी नहीं मिल पाएगी इतने में। नहीं पनीर तो मिल जाएगी, लेकिन वो ज़्यादा मेरे को खाना नहीं, तो क्या क्या। हाँ मेरे दिमाग में एक चीज़ आया है, शायद उसकी शॉप ओपन होगी, तो अभी जस्ट मैं जाता हूँ आप लोग को लेके चलता हूँ, शायद मिल पाए। लेकिन प्राइस मेरे को नहीं पता कि शायद वो चीज़ इंक्रीज़ हुई है कि नहीं, क्योंकि मैं बहुत दिन से शॉप पे नहीं गया। तो अपन चलते हैं और अपना लैपटॉप वगैरह पीसी वगैरह बंद करते हो, और फिर चलते हैं शॉप के। चिकन रोल का क्या रेट है, 40 का, और अंडा सिंगल अंडा 30, अंडा चिकन 50, 45 का मेरा बजट ही है, 40 का करके चिकन का, तो चिकन में प्रोटीन हमको मिल जाएगा अच्छा, तो इसलिए हम लोग चिकन कर रहे हैं। आप चिकन रोल कर दिए गए एक, हाँ एक, हाँ बस बताइए मेरी किस्मत कितनी अच्छी हो। उनके पास लास्ट पीस बचा है क्या, हाँ लास्ट पीस था। सुबह से मेरा चिकन रेडी हो चुका है, अपना चैलेंज जो है वो कंप्लीट हो गया, और मैं जो है वो 100 के रेशियो के अंदर ही था।
मतलब जो लास्ट मेरा एक्सपेंसेस था, मतलब जो मेरा लास्ट जो खर्चा हुआ वो फुली हुआ, और अभी 5 का रिच, मतलब 5 रुपये अभी भी बाकी है मेरे पास। सारी चीज़ें मैंने दिमाग से सब कुछ डील करके, थोड़ा पेट को थोड़ा मतलब तकलीफ दे के मैंने अपना चैलेंज को एक्सेप्ट किया और मैं इस चैलेंज में पास। आपको क्या लगता है कि मुझको और क्या क्या चीज़ें करनी थी इसके, मतलब सब्स्टिट्यूट में क्या और खा लेना था, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में। टिल देन पीस आउट।